अवेलेबल रहेगा, तो इसलिए हमेशा देखिए ताजमहल एकदम हरा भरा रहता है, सुंदर रहता है। सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी की प्यार के इतनी प्यार करते थे अपनी पत्नी को, यहाँ पर उनकी कब्र के ऊपर उन्होंने ये ताजमहल बनाया। औरंगजेब ने उनको बंदी कर लिया था 8 साल के लिए, क्योंकि उन्होंने सारा संपत्ति खत्म करे तो उनको लग रहा था। तो आगरा जा रहे हैं ताजमहल देखने, और उसके बाद थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज की ये ब्लॉग वृंदावन की है। हम वृंदावन में 2 दिन रुके थे, ये हमारा होटल है, तो अभी हम निकल रहे हैं क्योंकि आज सुबह हम बांके बिहारी जी की दर्शन हमारा नहीं हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो इसीलिए आज दोस्तों हम जा रहे हैं आगरा ताजमहल देखने के लिए, अभी हम निकल रहे हैं। कल के थोड़ा कपड़े थे तो मैंने सोचा उनको धो लेती हूँ, क्योंकि कल तो सुबह सुबह निकल जाएंगे। आज थोड़ा बुरा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि सुबह मतलब एकदम 4 बजे से उठकर मैं रेडी हो गई थी, मंदिर पे जाऊंगी, बांके बिहारी जी की दर्शन करूंगी, बट आज नहीं हुआ। थोड़ा बुरा लग रहा था दोस्तों, जब मैं ड्रेस खोल कर मैंने चेंज किया, तो क्या करें, जो समय में जो होगा वही तो मानना पड़ेगा। तो चलिए अभी चलते हैं होटल से, हम निकल गए हैं, अभी गाड़ी से हम चले जाएंगे, आगरा चले जाएंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं ये वृंदावन वैष्णव देवी मंदिर है, माँ भगवती का मूर्ति आप देख रहे हैं, कितना बड़ा कितना सुंदर है। तो दोस्तों हम लोग आगरा पहुँच गए हैं, अभी हमारे साथ एक गाइड है और वो हमें ताजमहल तक ले जा रहे हैं। तो बेटा और हस्बैंड हो आगे आगे हैं, मैं पीछे जा रही हूँ, बहुत धूप है दोस्तों, एक हैट मैंने ले लिया है। अभी तो शुरुआत है, बहुत सारा जाना पड़ेगा, बहुत पैदल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लोग तो शायद नहीं लग रहे, क्योंकि दोस्तों आज वृंदावन में बहुत भीड़ है, बांके बिहारी में इतना भीड़ है क्योंकि एकादशी के लिए, तो थोड़ा बहुत बुरा लगा, लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। गाइस मैं आपको दिखा रही हूँ बैक कैमरा से ताजमहल, ये शायद गेट होगा, ये तो ताजमहल नहीं है, तो हम इधर से जाएंगे अभी। यहाँ के जो सम्राट थे वो यहाँ पर रखते थे अपने घोड़ों को, और बहुत ठंडा है दोस्तों, आराम लग रहा है यहाँ पर, बहुत सुंदर है, बहुत साल दोस्तों बाद आई हूँ मैं। देखिए लोग आ रहे हैं, बहुत सारा गेट है दोस्तों, और अभी दोस्तों हम इधर से हम जा रहे हैं अंदर, देखने से पास लगता है हाँ, लेकिन बहुत दूर है गाइस। ताजमहल कैमरा सबके पास सिंबल ऑफ लव, ये सुंदर लग रही है गाइस, विश्वास नहीं हो रहा है मैं ताजमहल पर आई हूँ, बहुत सुंदर है दोस्तों, वाह। मैंने थोड़ा यहाँ पर फोटो शूट किया, और यहाँ पर देखिए पानी, देखिए ब्लू कलर की पानी पानी पानी, लोग यहाँ पर फोटो शूट करे, नहीं मैंने ले लिया है। और दोस्तों आगे जा रहे हैं, अरे मैं काफी पीछे हो गई हूँ, देखिए पानी ही सुंदर लग रही है, हाँ। तो फ्रेंड्स अगर आप भी ताजमहल आना चाहते हैं तो खाने का कोई भी चीज़ आप नहीं ला सकते, हाँ पानी बोतल तो आएगा, और दूसरा मोबाइल आ सकता है, बट सेल्फी स्टिक नहीं होगा अलाउ। तो हमने कई जगह पर दोस्तों सेल्फी स्टिक का अलाउ मुझे नहीं मिला, तो सो दोस्तों मैं हाथ से पकड़ के मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ताजमहल में दोस्तों 16 गार्डन है, 8 एक तरफ और दूसरी तरफ 8, और यमुना नदी के पास किया गया है, क्योंकि गार्डन को पानी देने के लिए, केयर करने के लिए पानी अगर अवेलेबल रहेगा तो, इसलिए हमेशा देखिए ताजमहल एकदम हरा भरा रहता है, सुंदर रहता है। ताजमहल जयपुर का व्हाइट मकराना स्टोन से बनाया गया है, और इसका जो क्लीनिंग दोस्तों एकदम कुछ भी नहीं यूज़ होता है, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी से ताजमहल को साफ़ किया जाता है। कोविड के बाद दोस्तों एक बार ही क्लीनिंग किया गया था, और उसके बाद नहीं हुआ है क्लीनिंग, लेकिन बहुत देखिए अभी भी कितनी सुंदर है, एकदम क्लीन, एकदम बहुत चक चक कर रहा है, कितनी सुंदर गार्डन है, एकदम हरा भरा, क्योंकि हमेशा बहुत केयर करके रखते हैं गार्डन को। ये देखिए वाह कितनी सुंदर फूल है, वाह स्मेल बहुत सुंदर है। ताजमहल 400 साल पहले बनाया गया था,
और फ्राइडे को दोस्तों बंद रहता है, आप कभी भी फ्राइडे मत आइएगा, सिर्फ नमाज के लिए खोला जाता है। तो फ्राइडे दोस्तों आप लोग कभी मत आइएगा। ताजमहल में जेम स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। चांदनी रात में दोस्तों ताजमहल बहुत सुंदर चमकता है। यमुना नदी दिखाई दे रहा है, मैं पास जा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, यमुना नदी ताजमहल के कितने पास है, कितने पास है दोस्तों। तो दोस्तों शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने उनको बंदी कर लिया था 8 साल के लिए, क्योंकि उन्होंने सारा संपत्ति ख़त्म कर रहे थे, उनको लग रहा था, क्योंकि वो बहुत खर्चा कर रहे थे इस पूरे ताजमहल और पूरे एरिया को बनाने के लिए। डेड बॉडी वहाँ से निकाल के लाके दफनाया गया, यहाँ पर ना ताज के अंदर, ताज के अंदर रोशना काफी शाहजहां। अच्छा, उनकी बेटी ने किया है ना, मैंने पापा का डेड बॉडी को यहाँ पर माँ के पास ही रख दिया ना। बाप का डेड बॉडी को माँ के डेड बॉडी के पास ही वहाँ पर उन्हें कब्र दे दिया, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत प्यार करती थी। तो फ्रेंड्स, हम अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, तो इसलिए बाहर से मैं आपको जितना हो सके दिखा रही हूँ। थोड़ा मैं आपको वो जो मार्बल पत्थर मैं आपको दिखाऊंगी, तो पत्थर को मैं टच करके देखती हूँ कितना कूल है दोस्तों। ये रियल क्वालिटी का पत्थर है ना, तो इसीलिए बहुत ठंडा है। जो होल है ना नीचे पानी, तो ये ड्रेनिंग का काम करता है। ये जो होल नदी की तरफ जाता है। ओ, ये होल पूरा नदी की तरफ जाता है, ये नदी के तरफ जाता है पानी। आपको तो पता है ताजमहल मुमताज बेगम की कवर स्थान है। यहाँ पर सम्राट शाहजहां ने अपने पत्नी की प्यार के इतनी प्यार करते थे अपने पत्नी को, यहाँ पर उनकी कब्र के ऊपर उन्होंने ये ताजमहल बनाया है। और दोस्तों यहाँ पर जो कब्र है ना, असली जो कब्र है, जो ओरिजिनल है, वो एकदम नीचे है, और ऊपर जो कब्र है वो दोस्तों डुप्लीकेट है। तो इसीलिए हम डुप्लीकेट को देखकर क्या करें, और ओरिजिनल तो एकदम नीचे है, तो दोनों हमारे सामने तो बराबर है, तो इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे हैं। तो अंदर जाने के लिए थोड़ा चार्ज भी करे हैं, तो धूप भी बहुत ज़्यादा है और टाइम भी बहुत शॉर्ट है, तो इसीलिए हम बाहर से चले जा रहे हैं। ये जो डिज़ाइन है, ये पोर्शन कारपेट है दोस्तों। तो दोस्तों ये लास्ट सीन है ताजमहल का, अभी हम निकल रहे हैं ताजमहल से। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी ये ताजमहल स्पेशल ब्लॉग आपको कैसी लगी है कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक से देख रहे तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।